मॉर्निंग फ्रेंड्स, रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मिठाई। हम दिखाएंगे किस टाइप से आप बिना गैस जलाए घर में उपलब्ध सामग्री के हिसाब से मिठाई बना सकते हैं। बहुत ही शानदार होगी, मजेदार होगी और बड़ी झटपट तरीके से बना सकते हैं। मात्र 5 से 10 मिनट में आप ये मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ मिठाई। इसके लिए मैंने मिल्क पाउडर लिया है, 50 ग्राम मिल्क पाउडर है और ये 100 ग्राम मैंने नारियल का बुरादा लिया है, डेसिकेटेड कोकोनट भी बोलते हैं हम इसे, और ये शुगर पाउडर लिया है। चीनी हमने मिक्सर ग्राइंडर पीस ली है। शुगर पाउडर, कोकोनट पाउडर और मिल्क पाउडर को हम तीनों को मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने जितना मिल्क पाउडर लिया उतना ही शुगर लिया है, लेकिन इससे जस्ट डबल मैंने कोकोनट पाउडर लिया है। इन सबको हम डाल करके मिक्स कर देंगे। किसी चम्मच की सहायता से आप इसे मिक्स कर दें। इन सबको मिक्स करने के बाद में हम इसका एक डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए आप पानी का इस्तेमाल नहीं करें, यहाँ पे मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। 2 टेबल स्पून इसमें मिल्क लगेगा, फ्रेश दूध लिया है मैंने यहाँ पे। इसको हम डाल देंगे और जैसे आप आटे का डो तैयार करते हैं उस तरीके से ये डो तैयार करना है आपको। बिल्कुल जैसे आप आटा लगाते हैं इसी तरीके से इसको लगा लें। यदि आपको दूध की मात्रा थोड़ी सी कम लगती है तो 1 चम्मच और डाल दें। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इसमें दूध आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना, मात्र 1 से 2 चम्मच ही डालना है। मिल्क पाउडर और कोकोनट पाउडर दूध सोख लेंगे और इस तरीके से एक आपको गाढ़ा डो तैयार करना है, हार्ड डो तैयार करना है। इस डो की कंसिस्टेंसी इस तरीके से हो जाएगी। ये देखिए, इतना गाढ़ा आपको डो तैयार करना है। यदि आपको लग रहा है आपका डो पतला है तो थोड़ा सा आप मिल्क पाउडर और कोकोनट पाउडर डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इन्हों को 3 भागों में डिवाइड कर लूँगा। मैं चूँकि कलरफुल बर्फी बना रहा हूँ इसलिए मैंने 2 व्हाइट भाग अलग किए हैं और 1 में मैं कलर डालूंगा। कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, यदि आप कलर पसंद नहीं करते हैं तो कलर ना भी डालें, बिना कलर के भी आपकी एक शानदार मज़ेदार मिठाई बन सकती है। यहाँ पे मैंने 3 भाग में कर लिया है, 2 भाग मैं अलग रख लूँगा और 1 भाग में मैं यहाँ पे फूड कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा पीला कलर लिया है। आपके पास घर पे उपलब्ध जो भी कलर हो वो आप ले सकते हैं, लाल, हरा, जो भी आपके पास में अवेलेबल हो वो ले सकते हैं। पीला कलर डालने के बाद में हम इसको प्रेस करेंगे हाथ से, इस कलर को मिक्स करेंगे सारे को। डो पे जब आप प्रेस करेंगे तो कलर बहुत जल्दी इस डो को ऑब्जर्व हो जाएगा कलर इसमें और ये मिक्स हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको 8 से 10 बार रब करेंगे तो ये इस तरीके से आपका एक पेड़ा बन करके तैयार हो जाएगा, कलर इसमें आ जाएगा। अब ये जो हमारे तीनों पेड़े बनकर के तैयार हो गए, अब हम इन्हों की बर्फी बनाएंगे। मैंने यहाँ पे एक फॉइल पेपर लिया है, आपके प्लास्टिक की थैली ले सकते हैं या बटर पेपर ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों पेड़े एक साथ रख दिए हैं, नीचे और ऊपर सफ़ेद पेड़ा रखा है, बीच में मैंने पीले कलर वाला पेड़ा रखा है। इसको आप हाथ से भी प्रेस कर सकते हैं, इस तरीके से दबा लें आप इसको तो ये तीनों आपस में चिपक जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक दूसरा फॉइल पेपर इसको लिया है, इसके ऊपर रख दिया है। बेलन की सहायता से भी हम इसको प्रेस कर सकते हैं। आप इसको एक बड़ा बना सकते हैं, लंबा आप रोल तैयार कर सकते हैं, प्रेस कर लें इस तरीके से। यहाँ पे मैंने इसको एक प्रेस कर लिया, ये देखिए एक गोल आपका, जैसे रोटी आप बनाते हैं उस तरीके से एक आपकी ये मिठाई तैयार हो गई। गोल मिठाई है ये, इस तरीके से हो गई, बीच में पीली है और दोनों साइड से वाइट कलर की है। यहाँ पे आप इसका रोल तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने चेरी का उपयोग किया है, टूटी फूटी चेरी जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं, यदि आपके पास कलरफुल हो तो ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये चेरीज पे डाली है। अब हम इसका रोल तैयार कर लेंगे। फॉइल पेपर को आप थोड़ा सा उठाएं, थोड़ा सा आप रोल को उठाएं, जो आपने बर्फी तैयार की है उसको उठाएं, इस तरीके से आप दबा करके एक गोलाकार इसको शेप दे दें। जब आप इसको गोलाकार शेप देंगे तो एक ये रोल के शेप में आ जाएगा। ये आसानी से रोल बना सकते हैं, आप एक बार ट्राई करेंगे तो ये रोल बन जाएगा। इस तरीके से आप ये पूरा रोल बना लेंगे, राउंड शेप इसको दे देंगे। दोनों जो इसके कोने हैं उसको आप हाथ से दबा करके प्रेस कर लें। ये मैंने इस तरीके से एक रोल बनाया है, ये आपका गोल शेप में रोल हो गया। अब आप ये जो फॉइल पेपर है इसको आप फोल्ड कर लेंगे, ये आपका रोल बन करके तैयार हो गया। आप
इसको फ्रीजर में रख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको तिकोना बना रहा हूँ, तो तिकोना बनाने के लिए आप इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे तो ये तिकोना भी बन जाएगा। तिकोना शेप या गोल शेप या जैसा भी आप शेप देना चाहें वैसा आप इसको दे दें। ये मैंने तिकोना शेप दिया है। अब हम इसको लगभग आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे, जहाँ पे बर्फ जमाते हैं आप वहाँ रखें, ताकि ये सेट हो सकेगा और ढंग से जम सकेगा। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है, अब मैं इसको फ्रीजर से निकाल लिया हूँ। इस तरीके से ये रोल जम जाएगा। ये एक शानदार मज़ेदार हेल्थी और टेस्टी आपकी मिठाई बनकर के तैयार हो गई। आप इसे मनचाहे आकार में काट सकते हैं। और ज़्यादा इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे चांदी का वर्क लिया है, उसको हम इस पे लगा देंगे। चांदी का वर्क बिल्कुल ऑप्शनल है, आप बिना चांदी के वर्क के भी इसको काट सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये चांदी का वर्क इसके ऊपर लगा दूंगा, इससे ये ज़्यादा खूबसूरत मिठाई बन जाएगी, ज़्यादा अच्छी लगेगी। इस तरीके से हम इसके ऊपर चांदी का वर्क प्रेस कर देंगे, और चांदी का वर्क लगाने के बाद में आप इसे मनचाहे आकार में काट सकते हैं, जैसा भी आप काटना चाहें। इस तरीके से आप काटें, ये देखिए इस तरीके से आपकी मिठाई बनकर के तैयार हो जाएगी। हेल्थी होगी, टेस्टी होगी। 5 मिनट की रेसिपी है, आप घर में 5 मिनट में इसको बना सकते हैं। हमने बिना गैस जलाए इसको बनाया है, और ये जल्दी से बनकर के तैयार हो जाएगी। आपके पास में जो उपलब्ध सामग्री है, कोकोनट पाउडर, मिल्क पाउडर, शुगर, ये सभी के घर में अवेलेबल हो जाती है। आप इसमें कलर डाल करके थोड़ा सा ज़्यादा लुकिंग वाइज अच्छा बना सकते हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई करें। कोरोना काल है, बाजार की मिठाइयाँ हमारे को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए घर में बनी हुई मिठाई का इस्तेमाल करें, ये बड़ी आसानी से बन जाएगी। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपको कोई सुझाव तो दें। थैंक्स।